आपकी बेटी बड़ी लेट आई। नहीं मैं तो ऐसी पूछ रही थी, आज तो लेट में वो है ना। और एक और दिल्ली में खास तौर पर बात होती है, पेरेंट्स बोलते अपनी बेटियों को बेटा 7 बजे से पहले घर आ जाना। 7 बजे से पहले कुछ नहीं होता क्या? 7 बजे के बाद ही होता है। Not having an affair with a feminist is a big thing. दो चार बातें हैं जो मैं हर सिर्फ जाट नहीं हर उस बंदे को बुलाना चाहता हूँ जिसकी किसी फैमिली के साथ कोई रिलेशनशिप है, जो या जो किसी फैमिलिस्ट को परस्यू कर रहा है या जिसका कोई इरादा है ऐसा। पहली बात तो ये, दुनिया में कहीं पे भी किसी भी औरत पे कोई भी जुल्म हो रहा होगा आपकी वाट लगेगी। सऊदी अरेबिया में किसी वुमेन को एडिट्री के लिए एग्जीक्यूट कर दिया वो तुम्हें आगे भूलेगी ऐसे। तालिबान ने कुछ औरतों के ऊपर एक डिटेक्ट लगा दिया वो तुम्हें आगे पेपर फेंकेंगे तुम्हारे सामने सी। This is how you guys are. Have you seen Bandit Queen? But मेरे मैं मानता हूँ मेरी फैमिली में एक छोटा क्रिमिनल है, मैं तो नहीं हूँ। तो कहता कि अब तो शॉपिंग मॉल्स रात के 11 बजे तक खुलने लगे हैं। दिल्ली 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 शॉपिंग मॉल्स रात के 11 बजे तक खुलने लगे हैं। देखते हैं दिल्ली का क्या कहना है, शॉपिंग मॉल्स रात के 11 बजे तक खुलने लगे। हाँ जी पता ही आपको है कि मैं हर्ष बोल रहा हूँ पीतमपुरा से और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। और मेरा तो यही कहना है कि अब क्योंकि मॉल्स रात के 11 बजे तक खुलेंगे इसका मतलब यही है कि इंडिया भी अब एक सुपर पावर बन गया है। और एक हर्ष है इनको मॉल के सामने जिस वक्त माल खुलूंगा उस वक्त मुर्गा बनाऊंगा तब तक भगाता हूं।